इको अंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरप्रसाद ज्ञान त्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी ज्ञान त्यान किश कर्म न जाना नाहन निर्मल करनी साध संगत का अंचल लाभो बिखम नदी जाए तरनी से संयोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नामी उचारे से संयोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे श्लोक महला पंजवा हरनाखी को सच वैन सुनाई जो तौ करे उदाहरण सुंदर बचन तुम सुनो शबीली फिर तेंगा मन साधारण दुर्जन सेती नेह रचायो दस विखा मैं कारण ऊनी नाही झूनी नाही नाही किसै विहूणी फिर शैल शबीला शग गवायो दुर्मत कर्म विहूणी ना हो भुली ना हो चुकी ना मैं ना ही दोषा जितहों लाई तितहों लगी तू सुन सच संदेसा साई सुहागण साई भागण जय पिर कृपा तारी फिर औगण तिसके सब गवाए गल सेती लाए सवारी कर्महीन तन करे बिनंती कद नानके आवै वारी सब सुहागण माने रलियां इक देव हो रात मुरारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी विच सजी हुई वडभागी साध संगत सतगुरु जी ने रहमत कीती है ये सुभाग कड़ी सानू प्राप्त हुई है। रामकली राग दे विच पंचम पातशाह दी उचारी हुई वार विचों छेवीं पौड़ी दे नाल जो पहला श्लोक है ये आपां सरवण कीता है। कल लड़ीवार विचार विच आपां सतगुरु जी का पावन उपदेश सरवण कर रहे सी कि मनमुख लोग जिहड़े हन जिहड़े मन दी मत पिछे चलते हैं उन्हां दे नाल जिहड़ी दोस्ती है ये बड़ी थोड़ चिरी है। जदों मौका आउंदा है अपना मनोरथ पूरा करके पिछे हो जाते हैं।
जिन्ना कु चिर उन्हां दा उन्हां नूं खाण पीण नूं मिलदा रहे उन्ना चिर तां मित्रता रखदे हन। बस जदों ये कुछ नहीं हुंदा तां उही लोग बुरा बोलन लग पैंदे, समझ नहीं आउंदी इन्हां नूं जिहदे नाल असीं मित्रता कर रहे हाँ उसकी अवस्था की है। अग्ञानी होण करके अजिहा करते नाल ही महाराज ने सुचेत किया जे चिक्कड़ दे नाल गारे दे नाल पत्थर जोड़ के तुसीं कंध करो तो बहुत चिर नहीं रहिंदी है, गारा खुर जाता है मीह दे नाल। इस तरह ही मनमुखां की दोस्ती भी एक अजिही कंध दे वांग ही है जिहड़ी पता नहीं किहड़े वेले लग पैणी है। अपने आप की भी उन्हां नूं पछाण नहीं हुंदी, हर वेले धंदियां नूं पकी जांदे हन, मैं करदे हौमे दे अधीन, हर वेले ही झूठ दे नाल अपना मोह पा के बैठे रहिंदे हन। जिन्हां ते वाहिगुरु परमेश्वर कृपा कर दिंदा है वो फिर सतगुरु की शरण में पै के अजिहे लोगों तो दूर ही रहिंदे हन, गुरमुखां दे नाल दोस्ती रखते हैं जिन्हां नूं मिल के परमेश्वर का नाम चेते आउंदा है, उन अपना जन्म सफला कर लेंदे हैं। इस तरह महाराज ने भी उपदेश दृढ़ कराया कि सच्चे उन्हां नूं कहा जा सकता है, भले उन्हां नूं कहा जा सकता है जिन्हां दे अंदर तड़फ है वाहिगुरु के दर्शनां दी। जे किते अजिहे रब के प्यारियां दे चरणां दी धूल मिल जाए, भाव उन्हां दी संगत मिल जाए, दर्शन दारे हो जाण तां मस्तक दे उत्ते लाउण विच भला है। अजिहे रब के प्यारियां दी संगत दे विच मैला मन विकारी मन भी जिहड़ा है पवित्र हो जाता है, आत्म ज्ञान बख्श के अजिहे रब के प्यारे ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਅਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਅਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਜੋਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੂਰ। ਅਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖੇੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਤਰਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਸਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰਨਾਖੀ ਕੁ ਸੱਚ ਵੈਣ ਸੁਣਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਕਰੇ ਉਦਾਹਰਣ, ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਛਬੀਲੀ, ਫਿਰ ਤੈਂਗਾ
मन साधारण। साकी जिहड़ी जिंद है आत्मा जिहनूं कहिंदे हां, इसनूं एक सुंदर इस्तरी दा अलंकार दित्ता है महाराज ने समझाउण वास्ते सन। ते नाल ही वाहिगुरु परमेश्वर कंत तों विछड़ी हुई है, उसका कारण पुछया है इसनूं। ये आपस विच गल्लां हन दो जिंदां दीआं, रब दे प्यारिआं दीआं। इक दी अवस्था उच्ची है, इक दी अवस्था अजे नीवीं है। रब दे प्यारे नूं तरस आउंदा। वेखो किवें महाराज ने प्रसंग जोड़िआ है। पहले शब्दां च रब दे प्यारिआं दी गल कीती है, इत्थे तरस खांदे हन रब दे प्यारे, क्योंकि उन्होंने परपकार वास्ते वाहिगुरु भेजता है। कई बार आप ही तुरे जाते हैं, रोक के उसका भला कर देंगे, उन्हें पता भी नहीं होंगे। एक अजिही अवस्था है। हरनाखी कहते हैं जिस दियाँ हिरन वर्गिया अखा हो, बहुत सुंदर अखा, हिरन दी अखा सारे जानवरों तो सुंदर कही गई हैं। वैण कहते हैं गल न, हे सुंदर अखा वाली जीव स्त्री, हे जिंद सुंदर जिंद, मैं तेरे ना तेन एक गल सुना लगी हाँ जिस ना तेरा भला हो जाएगा। सुंदर वचन तुम सुनो शबीली, फिर तेंगा मन सुधारण। शबीली सोनी, हे सुंदर जिंदे मेरे सुंदर वचन सुन, जिहड़ा तेरा पिर है ना तेंगा लेंदी बोली बोली है। तेरा पति जिहड़ा है वाहिगुरु परमेश्वर जो है, वो मन का आधार है, आसरा है। जदों गिगदा है मन ही गिगदा है, मन ना गिगे तन काहे को डलाए। जे मन ना गिगे तो तन तकड़ा ही रहिंदा है। जदों मन ही गिगदा है तो बंदा फिर मंजे ते पै जांदा, कहिंदा हुण नहीं मैं कुछ कर सकदा। सो संबोधन है एक अजिही जिंद नूं, हे सोहणी जिंदे तैनूं रब ने किन्ना सोहणा बना के भेजिआ, फिर तेरा जिहड़ा पिर है, तेरा मालक वाहिगुरु परमेश्वर कंत है, वो तेरा सहारा है। दुर्जन सिती नहीं रचायो दस वेखा मैं कारण, वेखा मैं वेखा। इन्ना सुंदर तैनू वाहिगुरु कंत मिलया होया है, तू फिर भैड़ी मत वाले लोगों नाल वाह पिया है तेरा, विकारां वाले पासे तेरे मन दे विच हर वेले ही विकार ही उत्पन्न होंदे रहिंदे हन। इन्ना दे नाल तू ने रचाया है, ममता पाई हुई है। मैनू दस, मैनू समझ आवे इहदा कारण की है। इन्नी सुंदर है, तेरा पति भी इन्ना सुंदर है वाहिगुरु, ते फिर तू उन्हूं छड़ के किसी होर दे नेह दे विच लगी हुई हैं। उनी ना ही झूनी, ना ही किसी भी होनी, फिर शैल शबीला छड़ गवायो दुरमत कर्म भी होनी। फिर देख तू किसी गलों कमी नहीं तेरे विच दिसती है। तैनूं परमात्मा ने अपना ही रूप बख्शिश किया है, तू रब दी अंश है, किसी गलतों तो विहोनी नहीं है, कमी नहीं है तेरे विच। इन्ना सुंदर पति वाहिगुरु, शैल शबीला जिहड़ा सदा जवान रहने वाला है, उन्हों तो छड़ दिता है। दुरमत कर्म विहोनी भैड़े कर्मां विच लग के भागां तो सखणी है जिंदे, एक की तू कर लिया। इन्ना वाहिगुरु परमेश्वर सुंदर कंत तैनू मिलया होया सी, तूनू छड़ दिता है। अगों जवाब है उस जिंद दा जिन्हों सवाल किया है रब दे प्यारे ने। ना हो भुली ना हो चुकी,
ना मैं ना ही दोषा, जितहों लाई तितहों लगी, तू सुन सच संदेशा। हे गुरमुख, हे रब दे प्यारे, सवाल किया है तू, लै मैं तेनों इहदा जवाब दिंदी हाँ। असल विच मेरी कोई भुल नहीं है, मेरे विच कोई भुल चुक नहीं है, मेरे विच कोई दोष भी नहीं है। जितहों लाई तितहों लगी, जिस पासे मैनू उन्हें लाता मेरे कर्मा का फल मैनू भुगतान वास्ते, उधर मैं लगी हाँ। ये सच्चा संदेश पा, मैं तैन सच कह रही हाँ कि मैं अपने आप कुछ नहीं किया है, ये तो सारी खेड ही वाहिगुरू परमेश्वर कंत ने ही रच दिती है मेरे कर्मा का फल भुगतान वास्ते। साई सुहागण साई पागण जय पर कृपा तारे। एक गल पक्की है, कहती कि मैनू समझ इन्नी तो है क्योंकि मैं राम की अंश हाँ। कहो कबीर राम की अंश, आत्मा साड़ी जिहड़ी जिंद है रब की अंश है, जिवें पुत्र पिता की अंश है, सुभाव प्यो वर्गा हुंदा है बच्चे का, इस तरह ही इस जिंद दा आत्मा दा सुभाव वाहिगुरु कंत वर्गा परमेश्वर वर्गा ही है। असलीयत यह है कि भागा वाली तो सुहागण वो कही जाती है जिद ते वाहिगुरु आप कृपा करता है, अपने वस की गल नहीं है, कोई अपनी सियाण चतराई दे नाल नहीं उन्हें खुश कर सकता। ਪਿਰੇ ਅਵਗੁਣ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਗੁਆਏ, ਗੱਲ ਸੇਤੀ ਲਾਏ ਸਵਾਰੀ। ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿੰਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ये मेरे वस की गल भी नहीं है, सारी खेड तो उन्हें रची हुई है। किरत कर्म के विछड़े, असी किरत कर्म जिहड़े कर्म कर रहे हाँ वह सुभा बन गया। कर्म किरत की होंगी है, सुभा, जिहड़े जिहड़ा कम करी जाते हाँ वो ही सुभा बन जाता है। कर कृपा मेलो राम, उस सुभा के अनुसार फिर बंदा वही कम करी जाता है। यही साड़ी आत्मा का सुभा है, ये उही कुछ करी जाती है जो इसका पहले किते कर्मां अनुसार सुभा बनया होया है। फिर रब उस पासे ला के इसके किते कर्मां का इसनूं फल भुगतांदा है। कर्महीन धन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी। कर्मां तो सखणी हर जीव इसत्री, हर जिंद ही तरले लैंदी है धन। ਧੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ। ਕਾਹਦਾ ਕਦ ਨਾਨਕਾ, ਮੇਰੀ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਸਭ ਸੁਹਾਗਣ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦੇਵੋ ਰਾਤ ਮਰਾਏ। ਤਰਲਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਦੀ ਭੀਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਨ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।
मेरे ते भी कृपा कर, कोई मैनू भी समा एक देव हो रात मारी पा, मैनू भी समा बख्श, मैनू भी अपने प्यार का मिला जरा मिलाप का जरा सुख बख्शिश कर मेरे ते। तरला है जिंद का तरला है, असा जोर ना ही किश कर हम सकें, साढ़े च कोई जोर नहीं है कि असी अपनी सियाणप दे नाल चतराई दे नाल उहदे नेड़े हो सकीए, उहदी खुशी लै सकीए। सिर्फ तरला लिया जा सकता है। रब दे मार्ग ते चलदे हां नूं वेख के दिल तां हर इक दा ही करदा है देखो कि मैं भी अजिहा बन जावां, पर नाल नाल साढ़े जिहड़े कीते पुरबले कर्म हन उह भी नाल नाल चल रहे हैं, उहनां करके कई वारी बहुत देर लग जांदी। महला पंजवां, काहे मन तों डोलता हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ध्याए तों सब दुख विसारन हार। हुण नाल ही अजिहा सलोक महाराज ने बख्श दिता है जिहड़ा हौसला देण वाला है। ठीक है, अवगणा करके प्रभु परमेश्वर ने ध्यान नहीं दे रहा है साढ़े वल, असीं वेख वेख के दुखी भी हुंदे हाँ। जिहड़े परमात्मा दे प्यार दा आनंद माणदे हन उहनां नूं वेख वेख के साडे अंदर ईरखा भी आउंदी है, झुरदे भी हाँ असीं। पर हे मना तूं डोलना, परमेश्वर कंत वाहिगुरू जिहड़ा है इह सब दीआं मनशां पूरीआं करन वाला, इच्छा पूरीआं करन वाला है। मन पुछदा है की करां मैं, आत्मा जिंद पुछदी है की करां, सतगुरु पुरख पुरख ध्याए तों सब दुख विसारन हार। गुरु नूं तूं ध्या याद कर, वो तेरे सारे दुख दूर कर सकदा है। गुरु तैनूं मिला देगा। गुरु किवें मिलाउंदा है? इक तां गुरु महाराज सानूं उपदेश दे राहीं ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਗੁਣ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਨਾਮਾ ਰਾਧ ਮਨ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਏ ਵਿਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਰਾਧਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ। ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਏ ਵਿਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਹਨ, ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਧੋ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਿਰੰਗ ਲੱਗਾ ਕਰਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪੁਰਬਲੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖਤੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰਲੇ ਮੰਡਲ ਮੰਗਾ ਹੈ। ਪੁਰਬਲੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
कोई रब का प्यारा जिहा मिल जाता है जिहड़ा सानू प्रेरणा करता है क्यों भड़कता फिरदा है क्यों दुखी है गुरु दे लड़ लग जाए। जे सानू समझ लग जाए उस दी गल नू मन लईए तां फिर असी गुरु दे बन भी सकते हाँ। जीवन भड़क जाता है, कालिदास ने उदाहरण भी दित्ती सी, उन्नी छगया माया सुहावड़ा धन संचया नाम अपार। रंग किन्ना नू चढ़ता है, प्यार किन्ना दा हुंदा है वाहिगुरु परमेश्वर कंत दे नाल। जिहड़े माया दे स्वाद जिहड़े हन इन्हां नू छड़ दिंदे हन, नाम प्यारा लगन लग पैंदा है, संचया इकट्ठा करदे हन, नाम धन नू इकट्ठा करदे हन। इकट्ठा किवें करीदा है? जिवें आपां थोड़ा जिहा समां जाप करते हैं ना, ये समझ लो आपां जिन्ना कीता जमा, जिन्ना चिर साडा मन शब्द दे नेड़े हाजिर रहा, साडी असीं सुनते रहे जाप नूं अपने कन्नां दे नाल, इन्ना धन साडे कोल इकट्ठा हो गया। इन्हां नूं एक वारी वाहिगुरु कहण, डालर कह दिओ एक, चाहे रुपया कह दिओ, चाहे कुछ कह दिओ, नाम हर तरह की करंसी है, ये हर थान दे उत्ते हर मौके दे उत्ते काम आने वाला है। सो रब दे प्यारे गुरु दे उपदेश अनुसार चलदिआं होइआं नाम तन इकट्ठा करन लग पैंदे हन। जदों सुरती नाम वाले पासे हो जावे तां माया वाला जिहड़ा स्वाद है फिक्का पै जांदा है, जिस दी खातर बंदा रात दिन भज दौड़ करता है। कहिंदा एवें इन्ना चिर होगा झख मारदिआं नूं बणिआ तां फिर भी कुछ नहीं है, गुरु सोझी दे दिंदा है, ये तन संचो होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मन। प्यारिया आ तन संच भागां वाला बन जा, अठे पहर इक तै लिवै मनिन हुकम अपार। हर वेले ही लिव लगी रहिंदी है वाहिगुरु परमेश्वर दे नाल, ते नाल ही उहदी रज़ा विच रहना सिख लैंदे। गुरु सानू परमात्मा दी रज़ा विच रहना सिखाउंदा है, नहीं तां हर इंसान सुख चाहुंदा है, वह कहिंदा है कि मैनूं सुख ही मिले, दुख ना आवे नेड़े, सदा मैं अमीर ही रहाँ गरीबी ना मेरे नेड़े आवे, सदा खुशी ही रहाँ गमी ना मेरे नेड़े आवे, हर एक ही चाहुंदा है। गुरु समझाउंदा है कि दोवें तैनू कपड़े मिले हुए हैं, जिवें गर्मियां वाले सर्दियां वाले कपड़े होंदे वखरे वखरे पाउणे पाउंदे हाँ आपां, पाउणे पैंदे हन सानू, सर्दी दे वाले सर्दी वाले ही पाउणे पैंदे, गर्मी च गर्मी वाले। गुरु ने जिन्हों समझा दिता, जिन्हों समझ आ गई गुरु की गल दी, फिर वह गुरु दे कोलों नाम ही मंगता है, सुख नहीं नाम मंगता है, याद मंगता सच्चे पातशाह तेरी याद ना भुले मैनू, ये मेरे ते कृपा कर। ना जन नानक मंगे दान एक दिहो दर्श मन प्यार, आ मंगता है पातशाह मैं तेरे को आ दान मंगता हाँ, मैनू तेरे दर्शन जिहड़े हन ये हुंदे रहन, सदा तेरे चरणां नाल जुड़े रहिए, मेरे मन विच तेरे प्रति प्यार बनिया रहे। पौड़ी जिस तों आवे चित तिस नूं सदा सुख। सुख कित्थे है? जिथे वाहिगुरू की याद है उत्थे सुख ही सुख है, दुख नाम की गल उत्थे है ही नहीं है। जिस तू आवें चित तिस जम ना है दुख, जिथे तेरी याद है उत्थे जमां दा भी कोई डर नहीं, जम दुख नहीं दे सकदा, जम उत्थे आ ही नहीं सकदे, हुक्म ही नहीं है उन्हां नूं उधर आउणा। जिस तू आवें चित तिस कै काढ़िया, काढ़िया चिंता, जिहड़े तेरी याद विच जुड़े रहिंदे हन उन्हां नूं कोई चिंता नहीं रह जांदी, हर तरह की चिंता तो मुक्त कर दिंदा है परमेश्वर जो है, जिसका करता मित्र सब काज सवार। जिन्हां ने वाहिगुरु नूं अपना मित्र बना लिया उन्हां दे फिर कार्ज भी वाहिगुरु आप सवारता है।
परमात्मा की कहिंदा है तुसी बंदगी करो, मैं तुहाडे कार्ज सवारदा, तुहानू चिंता नहीं होनी चाहीदी। ताडे कार्ज जिहड़े हन उह मेरा, मैं अपनी ड्यूटी समझांगा सवारनी। जो जन तुमरी पत करन ते तिनके का सवारदा। जिथे हर आराध्य है तिथे हर मित सारी। जिहड़े उहदी जात जुड़े ने उत्थे वाहिगुरु हर वेले ही नाल उहनां दे रहिंदा है, उहनां दी मदद करदा, आप रहमत करता रहिंदा। जिस तों आवें चित सो परवान जन। जिहड़े तेरी याद विच जुड़े रहिंदे हन उह जन जिहड़े हन तेरे दर ते परवान हो जांदे हन। जिस तों आवें चित बहुता दिसतन। जिहड़ा हर वेले तेरी याद विच जुड़िया रहिंदा है उसनूं संसारक धन की भी कोई कमी नहीं रह जाती है। नाम धन याद करना ही नाम धन है। संसारक जड़े सुख हैं प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नाम ने, ये सारिया दातां जड़ियां हैं ये अपने आप ही सिमरन करने वाले को आई जाती हैं। कालिदास ने बेनती की सी, किसी गल की कोई कमी नहीं रहनी। कहो नानक वाहिगुरु, जिदे ते वाहिगुरु दया करता है उत्थे कोई कमी नहीं। जिस तों आवें चित सो वड परवारिया। जिहड़ा उहदी याद विच जुड़िया रहिंदा है वड्डे परिवार वाला बन जाता है। देखो परिवार आपां की है, दो बच्चे हैं, मियाँ बीबी है, चार जने ही असीं इहनूं परिवार समझदे हाँ, ये मेरा परिवार है। जिहड़े उहदी जात जुड़दे हन रब दे प्यारिआं दी नाल जुड़े रहिंदे हन, संगत दे नाल जुड़े रहिंदे हन, ये संगत एक वड्डा परिवार है। देखो संगत नाल जिहड़ा जुड़ जाता है, एक एक संगत का जिहड़ा व्यक्ति है एक एक दे नाल गांह कित्थों तक उन्हां दी गांह सांझ है, वो एक दे राही सारे दूर तक सांझ। जे आपां नूं कोई मिलेगा ना, पर जो अपना रिश्तेदार आ गया आपां नूं मिल गया तां वो दसेगा कि ये जिहड़े हन ये साडे सतसंगी भरा हन, असीं वी संगत च आउंदे हाँ, ये भी संगत च आउंदे हन। वड्डा परिवार इदां बन जाता। उदा बंदा घर चार न्याणियां तक ही सीमित रह जाता है। जिस तों आवें चित तिन कुल उधारिया। जिहड़े तेरी याद विच जुड़े रहिंदे हन वह अपनी कुल का ही उधार कर लें। अपना तो होना ही, अपना तो भला होना ही होना है। उन्हां दी कुल का भी उधार हो जाता है। भाव जिवें कोई रब का प्यारा है। देखो हुण बाबा बुढ़ा जी की वंश है, वो नाम बाबे बुढ़ा जी का चलता है, उन्होंने वंश का कुल का ही उधार हो गया ना, सारी कुल का ही। हर पासे सत्कार होंदा है, कोई उन्हां दी कुल दे विचों किते भी कोई है ना उसका सत्कार करते हैं। इस तरह ही आप इत्थे देखो महापुरशां जिन्हां दे दर दित्ते आप हाजरी भरते हाँ, जुड़िया होया है जिन्हां ने आपां गुरु दे नाल, इन्हां दी वंश है। तंदौले तो बहुत संगत आउंदियां हन, दानगढ़ तो आउंदियां हन। इस तरह ही पिंडी जोंदा है, जोंदा पिंडी जिहड़े है ये इत्थों भी आउंदियां हन। वो असीं वेखो उन्हां दा सत्कार किन्ना करदे हाँ, जिवें साडे घर परौणे आउंदे हन उन्हां नूं संभालदे हाँ, इंज असीं उन्हां नूं संभालदे हाँ। ये वडाई क्यों है उन्हां दी? क्योंकि वह महापुरशां दी कुल विचों हन, इस करके। जे हुण घर चों मुखी ही शराबी होवे तां फिर की लोकी की कहिंदे ने शराबियां दी कुल चों है। वो जिहदा प्यो शराबी सी, भावें वह गां बच्चा बिल्कुल शराब नूं हाथ ना लाउंदा होवे पर वह कुल दा नाम बदनाम हो जाता। इस तरह ही दूजे पासे जे इधरले बन्ने ध्यान हो जाए तां उन्हां नूं फिर गुरु दे प्यारे कह दिंदे हन, इह तां गुरु दे प्यारे हन। सतगुरु जी कृपा करन, जो पावन उपदेश आपां इस पौड़ी अते सलोकां राहीं सरवण कीता साडे हिरदे च वसे, फुल्लां चुक्कां दी खिमा करनी। वाहिगुरू।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ